फ्रेंड्स, चाहे आप डीएलएड करते हैं या बीएड करते हैं, आपको डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर में आपको क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन रिसर्च बोलते हैं, इसका जो है फाइल आपको बनाना होता है एससीपी के दौरान, मतलब कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो आपका 35 या 40 डेज का टीचर ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप जो है स्कूल में जाते हैं और आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे बच्चों को पढ़ाना होता है, कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, क्या डिसिप्लिन होता है वहाँ पर, कैसे बच्चों को हम मैनेज करते हैं, तो उसी में जो है हमारे कई सारे फाइल भी बनते हैं। उसमें से ही एक हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का एक जो फाइल होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, समस्या के संभावित कारण, समस्या के कारणों का विश्लेषण, छात्रों के साथ शिक्षण के अंतर्गत बातचीत करने में आने वाली समस्या हेतु गतिविधियाँ। तो इसी पे जो है एक्शन रिसर्च का जो है ये टॉपिक है। आपको पता है कि एक्शन रिसर्च में स्टूडेंट किसी एक समस्या को लिया जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और उस फिर उसके बाद जो है उनके कारणों को हमें चेक किया जाता है, और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, तो वो सभी हमें लिखना होता है। तो हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स प्रस्तावना से। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें किसी एक समस्या की पहचान कर उसके संभावित कारणों का पता लगाया जाता है तथा गहरी छानबीन कर उस समस्या पर कार्रवाई की जाती है, मतलब कि उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है तथा समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार मैंने ऑनलाइन के माध्यम से जो कक्षा 8वीं ली है उसमें पढ़ाते समय कुछ बच्चे उत्तर नहीं देते हैं, तो इसी विषय पर जो है हमारा ये क्रियात्मक अनुसंधान किया गया है। तो ये आप देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है प्रस्तावना के बाद क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य लिखते हैं, तो इसमें हमें क्या ऑब्जेक्टिव होती है, जो क्यों हम क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च करते हैं, तो वो सभी हम लिखते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर जो है ना कुछ फाइलें हैं, जैसे कि एक्शन रिसर्च, रिफ्लेक्टिव, डेली डायरी, टेक्स्ट बुक एनालिसिस, पीर ऑब्जर्वेशन, स्कूल प्रोफाइल, स्टिमुलेशन टीचिंग, और यहाँ पे जो है सीसीए का। तो इसमें से फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, मतलब कि कोई सा भी फाइल अगर आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो ज़रूर आप बताएं, एंड प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहीं पर मैं जो है सारे फाइल जो है मैंने अपलोड किए हैं और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जो भी अभी रह रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, तो इसकी क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता निम्न प्रकार से है, तो ये सभी पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं। आवश्यकता में चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स समस्या के संभावित कारण, तो आवश्यकता के बाद जो है हमारे समस्या के संभावित कारण, ये सभी हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज में। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज आता है हमारा। इन सभी पॉइंटों को आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा थर्ड पॉइंट आ गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स पांच पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा विश्लेषण आ जाता है, इसमें हम जो है विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये सभी पॉइंट हैं। जो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लास्ट में फ्रेंड्स हमारा निष्कर्ष आ जाता है, कंक्लूजन, तो इसके कुछ यही पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए लेसन प्लान चाहिए तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान मैंने प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको फ्रेंड्स लेसन प्लान चाहिए मतलब कि आधे घंटे में या एक घंटे में, तो ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जो है उस टॉपिक पे बना के आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।